नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर इस चैनल पर पहले नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी बोले कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग के डाटा को किया जाएगा सत्यापन, वेरीफाई किया जाएगा। सत्यापन के साथ साथ डेटा की सुरक्षा बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कल्याणकारी सेवाओं एवं योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर देने की आवश्यकता है। कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति लाभार्थी के घर द्वारा द्वार पर सरकार पहुंचेगी, ठीक है जी। और सीएम ने बजट को भी बताया भी सभी के लिए हितकारी है। पहले इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं पूरी प्रॉपर वे में, ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि क्रीड को डाटा को सत्यापन करने, जो उन्होंने क्रीड ने डाटा वेरीफाई किया है फैमिली आईडी का, उसको सत्यापन करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं जो कि डोर टू डोर जाकर आपका सर्वे करेंगे। 5 विभागों में बांटी गई है। आपको मॉर्निंग में भी बताया 5 विभागों में चेकअप होगा आपका, ठीक है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को खट्टर जी ने ये भी कहा कि इनके डाटा क्रीड का के डाटा को उपयोग को लेकर हुई समीक्षा में बैठक में उन्होंने ये सारी डिटेल की है। उन्होंने महिला विकास, बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, युवा अधिकता उद्यमिता विभाग के अधिकारियों को इस वर्ष सर्वे को जल्द से जल्द टीमें गठित कर कार्य को शुरू करें और सुनिश्चित किया जाए कि टीमें डाटा के सत्यापन को ठीक प्रसार से कर रही हैं। इस सर्वे के कार्य को सभी विभाग मिलकर पूरा करेंगे, एक विभाग नहीं जी, 5 विभाग अलग अलग बनाए गए हैं, पांचों के पांचों पूरा करेंगे। मनोहर लाल जी ने राज्य सरकार दिन रात यह सुनिश्चित करे कि काम कर रही है कि लोगों का जीवन आरामदायक हुआ है या नहीं, और उन्हें अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने और उन्नति के अवसर मिले हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कल्याणकारी योजनाओं सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाए कि आवश्यकता है, ताकि निचले स्तर के आम लोगों को में उन बारे में जागरूकता उत्पन्न की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस डाटा का सत्यापन आयु वर्ग के हिसाब से विभिन्न विभागों को दिया गया है, ताकि हमारे पास सत्यापन की पूरी जानकारी, पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को घर द्वार जाकर पूरी पूरी सहूलता दी जाए। DSDC और स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, हरियाणा परिवार के प्राधिकरण के कर्मचारी अधिकारी विकास गुप्ता, युवा अधिकता और उद्यमिता के विभाग के आयुक्त एवं सचिव विजय सिंह दहिया, और महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। यानी कि ये जो जो विभागों के नाम इन्होंने इसमें डिनोट किए हैं, ये सारे के सारे विभागों की ड्यूटी लाई है। क्रीड का जो कह लें पूरा था, नागरिक संसाधन सूचना विभाग का पूरा डाटा फैमिली आईडी का था, वो डाटा मेटा क्लियर क्रॉस चेक करने के लिए ड्यूटी लाई है, ठीक है जी, लगाई है। और सीएम ने बजट को बताया सभी के लिए हितकारी, केंद्रीय बजट ये भी हितकारी बताया भी, सार प्राथमिकताएं हैं नौकरी पेशा, युवा, महिला और किसान के बारे में इस योजनाओं को लाभान्वित बनाया बताया कि आने वाले टाइम में सभी को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि फैमिली आईडी से ही आपका सारे का सारा डाटा मैच होगा, सत्यापन होगा, ठीक है जी। आगे घर द्वार पर आएंगे वेरीफाई करने के लिए 5 विभागों के अलग अलग कर्मचारी, जो कि आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है जी। इनमें से अगर कोई भी आता है तो आपको पूरी क्लियरेंस अपनी फैमिली आईडी में, जैसे इनकम, जैसे कोई दिहाड़ी करता है उसकी 5-5 लाख वेरीफाई हुई है तो अपनी इनकम सही जरूर करवा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।